और देश में कोरोना ने अब कौन सा आंकड़ा किया पार? किसने कहा युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के हो जाएंगे चार टुकड़े? और छह महीने के भीतर घाटी में कितने आतंकियों का हुआ खात्मा? देश की सभी बड़ी खबरें देख लेते हैं न्यूज टॉप नाइन राष्ट्र में। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 50 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना वायरस ने अब तक 82,000 से ज्यादा मरीजों की जान ले ली है। पिछले 24 घंटे में 90,123 नए मामले रिकॉर्ड हुए, जबकि 1290 मरीजों ने दम तोड़ दिया। एक्टिव केस 9,96,000 के करीब हैं। देश में कोरोना की तेज रफ्तार पर आज राज्यसभा में इस पर बहस होगी। कल मॉनसून सत्र के दूसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से 14 से 29 लाख मामले रोकने में हम सफल रहे, जबकि 37 से 38 हजार लोगों को मौत से बचाने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि भारत में करीब 92% मामले हल्के लक्षण वाले हैं। कल आयुष मंत्रालय के दो अहम बिल संसद से पास हो गए। अब आलू प्याज की कीमतें भी बाजार के हवाले कर दी गई हैं। लोकसभा में कल आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक को पास कर दिया गया। इस अधिनियम का विपक्षी दलों के अलावा एनडीए के सहयोगी अकाली दल ने भी विरोध किया। विधेयक के पास होने से दलहन तिलहन खाद्य तेल प्याज और आलू आवश्यक वस्तु के दायरे से बाहर हो गई हैं। प्याज की कीमतें बढ़ने से सरकार ने इसके निर्यात पर फिलहाल रोक लगा दी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा, हमें क्यों नहीं चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध का स्वागत करना चाहिए? अगर हम पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर वापस लेने के साथ पाकिस्तान के चार टुकड़े करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेहतर संभव रास्ता ये हो सकता है कि दोनों फ्रंट पर 15 नवंबर के बाद युद्ध हो। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि इस साल मार्च से अगस्त तक जम्मू कश्मीर में 138 आतंकी मारे गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि अगस्त 2019 से जुलाई 2020 तक सीमा पार से 111 बार आतंकी घुसपैठ करने में सफल रहे। इस बीच कल भी सांबा में सुरक्षा बलों ने हथियारों से लैस 5 आतंकियों को वापस पाकिस्तान की सीमा में भागने में मजबूर कर दिया। चुनाव आयोग की टीम बिहार के दौरे पर है। अगले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस बीच सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने चुनाव प्रचार के लिए नया गाना लॉन्च किया है। वीडियो एल्बम में बिहार के नीतीश कुमार को विकास पुरुष बताया गया है। बिहार में कल कई जिलों में मूसलाधार बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। बिहार के 6 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। उधर यूपी में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 13 लोगों की मौत की खबर है। मध्य प्रदेश के दमोह में 3 जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। तेजगढ़ थाना क्षेत्र में फसल कटाई के लिए निकले 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा और एक महिला भी शामिल है। इसके अलावा हटा पटेरा में भी 2 लोगों की मौत हो गई। बिजली गिरने से कई लोग घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लोकायुक्त की टीम को सीएमओ कुलदीप धनसुख के 3 अलग अलग घरों पर छापेमारी में 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है, जिसमें मौके से 4 लाख कैश और बड़ी तादाद में सोने चांदी के जेवरात मिले। छापेमारी में 40 से ज्यादा पासबुक मिले। कुलदीप धनसुख के साथ 2 और सीएमओ प्रदीप शास्त्री और वीरेंद्र मेहता को भी निलंबित कर दिया गया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।